हाय एवरीवन, यू वाचिंग इन्फो एन्यू। मैं हूं अब्बास। आस्क अब्बास सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं आस्क अब्बास नाम से एक सीरीज बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस का आंसर्स कर रहा हूं। जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, कोरा पर पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, ईमेल करके पूछते हैं, तो जो क्वेश्चन मुझे रेलिवेंट लगते हैं और मुझे लगता है कि और लोगों के भी काम आएंगे, तो उन्हें मैं वीडियो के फॉर्म में उनके आंसर दे रहा हूं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, और मुझे अगर लगेगा वो क्वेश्चन रेलिवेंट है और लोगों के भी काम आ सकता है, तो उसका आंसर मैं वीडियो की फॉर्म में करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी ने मुझसे कोरा पर क्वेश्चन पूछा है और मैं वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आई कंप्लीटेड अ BSc कंप्यूटर्स एंड हैड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 इयर्स इन फाइनेंस। शुड आई टेक फाइनेंस इन एन MBA और सप्लाई चेन मैनेजमेंट? आई एम प्लानिंग टू परस्यू इट इन द UK। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो इसमें बेसिकली इन्होंने यही पूछा है कि ये बाहर से पढ़ाई करना चाहते हैं, UK से पढ़ाई करना चाहते हैं, और MBA फाइनेंस और MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये चाह रहे हैं कि कौन सा इन्हें करना चाहिए। और इन्हें एक्सपीरियंस 2.5 साल का है फाइनेंस के अंदर, लेकिन जो इनके अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है वो इनकी अलग है, वो उन्होंने कंप्यूटर्स में की है, BSc की है, तो कौन सा इनके लिए बेटर लगेगा। तो देखिए, अगर मैं जनरल बात करूं, अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कि क्या करना है, तो मैं उसे यही बोलता हूं कि अपने इंटरेस्ट के साथ जाइए, डू व्हाट यू लाइक। अब जो आपको पसंद है वो करना तो मैंने बोल दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सिनेरियो अलग है, और क्योंकि ये बाहर से पढ़ने का इन्होंने बोला है UK से, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे और कोर्स करने के बाद आपको वहाँ जॉब भी करने का होता है, क्योंकि देखिए अब्रॉड कोई जाता है तो ऐसे तो नहीं जाता कि बस चले जाओ। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिले। तो अगर ये MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट चूज़ करते हैं एक्सपीरियंस के बाद फिनेंस में, तो इन्हें इतना हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें एज अ फ्रेशर ही लिया जाएगा और जॉब्स ढूंढने में इन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर ये MBA फाइनेंस में करते हैं, और क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 2.5 साल के फाइनेंस में, तो जो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है 2.5 साल का वो इनके कोर्स को सपोर्ट करेगा। तो जब ये जाएंगे तो ये बोल सकते हैं कि मेरे पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में, मैंने ये काम किया है, तो इन्हें जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे वाले केस से कि अगर ये सप्लाई चेन ले लेते हैं, तो इन्हें फ्रेशर की तरह ही लिया जाएगा। तो अगर मैं कंक्लूजन दूं कि MBA फाइनेंस और सप्लाई चेन में आपको कौन सा चुनना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपको फाइनेंस चुनना चाहिए, ताकि आपको इजीली जॉब मिले और आपको कोई भी स्ट्रगल ना करना पड़े। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फो एन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना अभी न्यू चैनल बनाया है व्लॉग्स का, जिस पर मैं फूड से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड व्लॉग्स डालूंगा, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मैं पर्सनलाइज 1-on-1 करियर काउंसलिंग सेशन भी देता हूँ, तो अगर आप करियर काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।